सलाम, मैं हूं आपका अपना इंस्ट्रक्टर मुबीन इनायत और आज हम बात करेंगे सिस्को डिफ़ॉल्ट राउट कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से। लेकिन इस लैब को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें। तो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि सिस्को डिफ़ॉल्ट राउट कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से है। तो मैं आपको अपना सिनेरियो समझा देता हूँ। हमारे पास ये कराची का राउटर मौजूद है, 1.8.4.1 का राउटर हमने यहाँ पे कराची की साइड पर लगाया है, 2.9.6.0 का स्विच और एक पीसी। इसी तरीके से यहाँ पर कराची को हमने हेड ऑफिस के साथ कनेक्ट किया है 193.1.1.0 के नेटवर्क से, और यहाँ पर हमारे पास हेड ऑफिस में भी एक स्विच हमने कनेक्ट किया है, और यहाँ पर 20 का नेटवर्क चल रहा है फास्ट इंटरनेट पर, और एक पीसी कनेक्ट है। इसी तरीके से हेड ऑफिस को हमने लाहौर से कनेक्ट किया है 194.1.1.0 के नेटवर्क पर, और इसके साथ एक स्विच है और एक पीसी है। और मैं आपको अपना सिनेरियो ये समझाना चाहता हूँ कि हमारे पास हेड ऑफिस पर मैंने सारे राउट्स रखे हैं और हम कराची के एंड पर डिफ़ॉल्ट राउट सेट करेंगे कि भई अगर तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन मालूम करनी है तो तुमने हेड ऑफिस के राउटर पर चले जाना है। इस तरीके से हम लाहौर के राउटर पर भी यही डिफ़ाइन करेंगे कि डिफ़ॉल्ट राउट ये सेट करेंगे कि अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है या हासिल करनी है तो आप जो है वो हेड ऑफिस के राउटर पर चले जाएँगे। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर आज के टॉपिक में कवर करवाऊँगा कि डिफ़ॉल्ट राउट हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, डिफ़ॉल्ट राउट हम कैसे सेट करते हैं। देखिए, कराची के राउटर के पास सिर्फ इसके दो ही डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स मौजूद हैं, एक 10 का, एक 193.1.1.0 का। इसी तरीके से अगर हम लाहौर की बात करें तो वहाँ पर भी 30 का नेटवर्क मौजूद होगा और 194 का नेटवर्क होगा। मैं आपको एक एक करके इनका राउटिंग टेबल भी दिखा देता हूँ। तो हम सबसे पहले KHI के राउटर पर चलते हैं, क्लिक कर देंगे, मैक्सिमाइज कर देंगे, CLI पे क्लिक करेंगे और इंटर यूज़र एग्जीक्यूशन मोड पर हम इनेबल कर देते हैं। अभी मैंने पासवर्ड सेट किया है, वो मुझे देना होगा यहाँ पर। ये देखिए, मैं पासवर्ड दे दिया है। पासवर्ड सेट करना भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में समझाया था, तो आप यहाँ पर अगर आपने पासवर्ड सेट करना सीखना है तो प्रीवियस वीडियोस देखना ना भूलेगा। अब मैं आपको जो है वो राउटिंग टेबल दिखा देता हूँ इसका। शो IP राउट और इंटर कर देंगे। ये देखें, इसके कराची के राउटर पर दो ही नेटवर्क दिखा रहा है, एक 10 का और एक 193.1.1.0 का नेटवर्क। तो ये सी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं, एक इसके फास्ट इंटरनेट 0/0 पर मौजूद है और एक सीरियल 0/0/0 पर मौजूद है। इसके पास सिर्फ ये दो नेटवर्क्स मौजूद हैं और इसके पास इतने सारे ये जो नेटवर्क्स मौजूद हैं इसकी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। तो मैं आपको अब सेकेंड राउटर पर ले चलता हूँ जिसके पास मेरे पास हेड ऑफिस के पास सारे राउटर्स के सारे नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन मौजूद है। HO हमारा हेड ऑफिस का राउटर है, तो मैं क्लिक करवा देता हूँ, मैक्सिमाइज कर देंगे, CLI पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इनेबल करके, यहाँ पर भी मुझे पासवर्ड कह रहा है, मैंने यहाँ पे भी पासवर्ड सेट किया HO के राउटर पर, वो मुझे देना होगा यहाँ पर। और ये देखिए, मैंने पासवर्ड दे दिया है और मैं आपको राउटिंग टेबल दिखा देता हूँ उसका। इसके पास सारी नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन मौजूद है, इसके पास 3 डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं और 2 स्टैटिक राउटिंग मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर रखी है। स्टैटिक राउटिंग के ज़रिए इस पे इंफॉर्मेशन आ रही है, जो कि स्टैटिक राउटिंग मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में दिखाया था। अगर आपने स्टैटिक राउटिंग नहीं कॉन्फ़िगर करना आता आपको तो फिर आप मेरी ये स्टैटिक राउटिंग की वीडियो भी देख सकते हैं। और अब मैं आपको डिफ़ॉल्ट राउट आज की वीडियो में सिखाऊँगा। स्टैटिक राउटिंग मैंने लास्ट वीडियो में सिखाई थी। देखें, सी से ये एक हमारे पास 20 का नेटवर्क है जो कि फास्ट इंटरनेट 0/0 पर इसके कनेक्ट है, और दोनों जो कराची और लाहौर कनेक्ट हो रहे हैं वो देखें, सी 193.1.1.0 ये कराची से कनेक्ट हो रहा है, ये नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, और ये 194.1.1.0 ये लाहौर से कनेक्ट हो रहा है हेड ऑफिस के साथ, यानी इस वाले राउटर के साथ। तो ये स्टैटिक राउटिंग मैंने डिफ़ाइन की है और AD वैल्यूज़ की 1 होती है स्टैटिक राउटिंग की। इसी तरीके से स्टैटिक राउटिंग का ही पार्ट डिफ़ॉल्ट राउट आज मैं आपको करवाने लगा हूँ कि कैसे होता है। तो हम इस राउटर को क्लोज़ कर देते हैं, इस कंसोल को क्लोज़ कर देते हैं
अब हम चलते हैं लाहौर के राउटर पे, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो LHE पे क्लिक करेंगे, मैक्सिमाइज़ करेंगे CLI और यहाँ पर इंटर, यूज़र एग्जीक्यूशन मोड पर इनेबल करवा देते हैं। अब शो IP राउट, ये देखें मेरे पास एक फास्ट इंटरनेट 0/0 पर, इसके बाद 30 का नेटवर्क मौजूद है और सीरियल पर 194.1.1.0 का नेटवर्क मौजूद है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। अब इसके पास बाकी इंफॉर्मेशन इन नेटवर्क्स की नहीं है, तो मैं यहाँ पर दोनों जगह डिफ़ॉल्ट राउट कराची के राउटर पर सेट कर दूंगा और लाहौर के राउटर पे कि भैया अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मालूम करनी है तो आपने हेड ऑफिस के राउटर पर चले जाना है। ये तो मैंने आपको एक सिनेरियो दिखाया है जिसमें हम हेड ऑफिस का राउटर सेलेक्ट करें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक हमारे जितने भी हमारे पास राउटर्स हैं और उस नेटवर्क को जहाँ हमारा एंड होगा, एंडिंग पॉइंट के मैं किसी इंटरनेट के राउटर के साथ अगर कनेक्ट करना चाहूँ तो मैं इंटरनेट के राउटर्स को भी डिफ़ॉल्ट राउट के तौर पे इस्तेमाल करवा सकता हूँ। ये मैं आपको सेंटर राउटर यानी हेड ऑफिस वाला राउटर दिखाना चाह रहा हूँ, ये सिनेरियो दिखाना चाह रहा हूँ। ये हम देख लेते हैं, कराची के राउटर पर जाएंगे हम, क्लिक करेंगे और इसको डिफ़ॉल्ट राउट बताएंगे कैसे कॉन्फ़िगर करना है, मैक्सिमाइज़ कर देते हैं। और अब हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पर जाएंगे, यहाँ प्रिविलेज मोड से कॉन्फ़िग स्पेस टी इंटर, और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट राउट सेट करने के लिए आपने लिखना IP स्पेस राउट या रूट और स्पेस, फिर हम यहाँ पर कोई भी नेटवर्क के लिए 0.0.0.0 कर देंगे और कोई भी सबनेट मास्क के लिए भी हम कर देंगे 0.0.0.0 स्पेस। और यहाँ पर हमने इसको जैसे हम स्टैटिक राउटिंग में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट हॉप IP, हम या तो यहाँ पर इसके आगे डिफ़ाइन कर सकते हैं या तो हम एग्ज़िट इंटरफेस डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट हॉप IP एग्ज़िट इंटरफेस क्या होता है। जैसे कि ये कराची का राउटर है तो इसके लिए नेक्स्ट हॉप IP ये वाली है जिस पर इसको भेजना है मुझे, तो 193.1.1.2 मुझे यहाँ पर इसको बताना है, यानी कराची के राउटर पर रहते हुए 193.1.1.2 बताना है, इस एंड को बताना है। और या तो मैं एग्ज़िट इंटरफेस भी डिफ़ाइन कर सकता हूँ, यानी यहाँ से जो पैकेट निकल रहा है तो ये एग्ज़िट इंटरफेस है मेरा, तो ये मैं बता सकता हूँ कि एग्ज़िट इंटरफेस में सीरियल, जैसे सीरियल 0/0/0 से कनेक्ट है तो मैं सीरियल 0/0/0 भी लिख सकता हूँ या तो मैं नेक्स्ट हॉप IP लिख सकता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ 193.1.1.2 यानी कि नेक्स्ट हॉप IP मैं ये डिफ़ाइन कर रहा हूँ, और लाहौर के राउटर पे मैं एग्ज़िट इंटरफेस के ज़रिए करवा दूँगा। यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट हॉप IP दिखा देता हूँ, तो नेक्स्ट हॉप IP यानी अगले राउटर की जिसके बाद भेजना है तो वो उसकी IP 193.1.1.2 है। तो ये मैं कॉन्फ़िगर करवा के दिखाता हूँ आपको, ये इंटर कर दें। अब आप शो IP राउट करेंगे, यहाँ पर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पर डू शो IP राउट और इंटर कर देंगे। ये देखें स्टैटिक राउटिंग का एस्टेरिक और ये डिफ़ॉल्ट राउट मैंने सेट कर दिया और यहाँ पर 1 ही आ रहा है, इसकी AD वैल्यू 1 होती है यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इसकी प्रायोरिटी हाई होगी, जो हम एडमिनिस्ट्रेटर जो डिसाइड करेगा उसकी सुनी जाएगी, उसी पाथ के ज़रिए चीज़ों को भेजा जाएगा। तो 1 AD वैल्यू होती है इसकी, स्टैटिक राउटिंग का ही ये पार्ट है, डिफ़ॉल्ट राउट भी। और ये देखें यहाँ पर वाया किसके ज़रिए 193.1.1.2। अब हम चलते हैं अपना लाहौर के राउटर की तरफ, क्लोज़ कर दें इस कंसोल को। अब हम लाहौर को बता दें कि भाई तुम्हें कोई भी, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मालूम करनी है, कोई भी पैकेट भेजना है तो वो किसके ज़रिए भेजा जाए, हेड ऑफिस के ज़रिए मालूम करें। हेड ऑफिस के पास भेजेंगे हम, कैसे भेजते हैं, डिफ़ॉल्ट राउट कैसे सेट करते हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम लाहौर पर जाएँगे, लाहौर पर क्लिक करेंगे, मैक्सिमाइज़ कर दें, CLI पर हम मौजूद थे। और मैं आपको जो वो पहले ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पर जाएंगे हम, कॉन्फ़िग स्पेस टी, कॉन्फ़िग स्पेस टी और इंटर, और यहाँ पर हम जो वो लिखेंगे IP स्पेस राउट स्पेस कोई भी नेटवर्क 0.0.0.0 कोई भी मास्क 0.0.0 स्पेस, और मैंने वहाँ पर नेक्स्ट हॉप IP आपको दिखाई थी। और मैं आपको यहाँ पर एग्ज़िट इंटरफेस भी दिखा देता हूँ कि एग्ज़िट इंटरफेस क्या होगा। तो एग्ज़िट इंटरफेस के लिए मैं इसको ऑप्शंस प्रेफरेंसेस ऑलवेज शो पोर्ट लेबल्स में खोल ओपन कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। और मैंने ये इसको सीरियल 0/1/0 से कनेक्ट किया है इस एंड को, एग्ज़िट इंटरफेस का 0/1/0 है, ये वाला एंड मुझे यहाँ पर डिफ़ाइन करना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा।
तो 0/1/0 हमें देना है। तो ये राउटर पर हम गए एग्जिट इंटरफेस, हमारा सीरियल एस करके टैप कर दें, सीरियल पूरा आपके पास टाइप हो जाएगा 0/1/0। तो ये मेरे पास सीरियल इंटरफेस है, एग्जिट इंटरफेस ये वाला एग्जिट इंटरफेस। अब मैंने आपको कराची के राउटर पे नेक्स्ट हॉप आईपी दिखाया था, यानी ये वाली आईपी, और अब मैं आपको एग्जिट इंटरफेस के ज़रिए भी दिखा देता हूँ, दोनों सूरत में दिखा देता हूँ कि आपको दोनों का आइडिया हो। तो हम 0/1/0 करके इंटर करवा देंगे। अब मैं आपको इसके राउट्स दिखा देता हूँ, ड्यू शो आईपी राउट, और इंटर कर देंगे। ये देखें एस डायरेक्ट, ये मैंने राउट डिफाइन किया है। उसमें बस एक चेंजेस होती है कि वाया जब हम आईपी देते हैं नेक्स्ट ऑफ आईपी की, तो वाया और इस तरह लिखा हुआ आ रहा होता है, और यहाँ पर इस डायरेक्टली कनेक्टेड और सीरियल 0/1/0 लिखा हुआ मौजूद है। ये आप देख रहे हैं कि मैंने इसको कोई भी नेटवर्क कोई भी मास बता दिया है कि कैसे हो, एडी वैल्यू यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है हमें। तो अब मैं आपको इसकी टेस्टिंग भी दिखा देता हूँ कि ये कैसे होता है। और इससे पहले मैं आपको जो वो एक और जो वो चीज़ दिखा देता हूँ कि यहाँ पर देखें गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इज़ 0.0.0.0 टू नेटवर्क, कोई भी नेटवर्क हो इसको ये राउट करवा देगा। गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इज़ 0.0.0.0 टू नेटवर्क 0.0.0.0। ये गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मेरा सेट हो गया है। वैसे यहाँ पर नॉट सेट लिखा हुआ आता है, ये देखें गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट 0.0.0, कोई भी नेटवर्क कोई भी सबनेट मास्क जो है वो निकाल देना है इसको। तो ये दिखा रहा है गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट हमारा सेट हो गया है, क्लोज़ कर दें। मैं कराची के राउटर पे भी दिखा, तो कराची के राउटर पे क्लिक कर देंगे, मैक्सिमाइज कर दें। ये देखें गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इज़ 193.1.1.2। ये हमने जो है वो नेक्स्ट ऑफ आईपी बता दी थी, इसको नेक्स्ट ऑफ आईपी के ज़रिए किया है हमने कराची के राउटर पे। तो गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट सेट हो गया है कि भाई 193.1.2 पर भेजना है कोई भी नेटवर्क हो। 0.0.0.0 का मतलब हो रहा है कोई भी नेटवर्क हमने इस पे भेज देना है, 193.1.1.2 पे। जब हमारे पास सिर्फ दो सी से नेटवर्क मौजूद हैं, एक 10 का एक 193.1.1.0 का। तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास नेटवर्क पर मौजूद नहीं है, तो आपने जो है वो कोई भी नेटवर्क को 193.1.1.2 पर भेजना है, यानी कि इस पे भेजना है 193.1.1.2। ये है यानी हेड ऑफिस के राउटर पे हमने भेजना है। तो अब मैं आपको ये कंसोल क्लोज़ करके अब आपको टेस्टिंग दिखा देता हूँ, क्लोज़ कर दें। और पीसी ज़ीरो से हम पीसी टू को पिंग करके देख लेते हैं। मैं आपको पीसी टू की पहले आईपी दिखा देता हूँ कि क्या है। तो पीसी टू पे क्लिक कर दें और डेस्कटॉप पर क्लिक कर दें, कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे मैक्सिमाइज करके आईपी कॉन्फ़िग कर देंगे, इंटर कर देंगे। ये देखें 30.0.0.2 इसकी आईपी है, और इसके राउटर की जो इंटरफेस पे आईपी कॉन्फ़िगर्ड है यानी गेटवे डिफ़ॉल्ट गेटवे 30.0.0.1। तो क्लोज़ कर दें। अब मैं आपको पीसी 2 को यहाँ इसको यहाँ से पिंग करके दिखाऊंगा पीसी 0 से। तो पीसी 0 पर क्लिक कर देंगे, डेस्कटॉप, कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पर हम लिखेंगे पिंग स्पेस 30.0.0.1 को पहले देखते हैं, राउटर के डिफ़ॉल्ट गेटवे को जो लाहौर का है उस पर इंटर कर दें। ये देखें पिंग आ रहा है मेरे पास, यानी कि कनेक्टिविटी मौजूद है। और इसी तरीके से मैं आपको जो है वो अपना पिंग उस कंप्यूटर को भी पिंग करके देख लेते हैं कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। तो 30.0.0.2 इंटर कर देंगे, पहला हमारा पिंग टूटता है, रिक्वेस्ट टाइम आउट लिखा हुआ आएगा। ये देखें रिक्वेस्ट टाइम आउट, ये आर्प के प्रोसेस के तहत आईपी टू मैक रिजॉल्व करवाने के लिए होता है। और इसके बाद देखें रिप्लाई आ गया, मैं आपको वापस दिखा देता हूँ। ये देखें अब मेरे पास 4 रिप्लाई पूरे आ रहे हैं, 3 और ये 4 रिप्लाई पूरे हो गए, यानी कि कनेक्टिविटी मेरी मौजूद है कराची से लाहौर के पीसी की, कराची के पीसी से लाहौर के पीसी पे मेरा पैकेट जा रहा है। और मैं आपको वहाँ से भी दिखा देता हूँ, कंसोल क्लोज़ कर दें पीसी का। अब मैं यहाँ से इसको पिंग करके देखता हूँ कि आया रिप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा। पहले मैं आपको इसकी आईपी दिखा दूँ, ये पीसी 0 कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पर हम इसकी आईपी चेक कर लेते हैं पीसी 0 पर, आईपी कॉन्फ़िग। ये देखें 10.0.0.2 है इसकी आईपी, और इसका गेटवे 10.0.0.1 है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, पीसी 2 पर क्लिक कर दें, कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पर आप करें पिंग
स्पेस 10.0.0.1 इंटर। ये देखें कराची के राउटर से पिंग आ रहा है, यानी आपका पैकेट पहुंच रहा है, कनेक्टिविटी मौजूद है इसके साथ, रिप्लाई आ रहा है आपके पास। इसी तरीके से पिंग करें 10.0.0.2 यानी उसके कराची के पीसी को, तो इंटर कर दें। ये देखें यहाँ पर भी रिप्लाई 4 रिप्लाई आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिफ़ॉल्ट राउट समझ आया होगा कि अगर मैंने हेड ऑफिस का राउटर रखा है, मेन राउटर, उसके पास सारे नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन है कि मैं डिफ़ॉल्ट राउट दूसरे राउटर पे सेट ये कर रहा हूँ, कि अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन का पता करना है, कोई भी नेटवर्क का पता करना है, तो आपने जो है वो हेड ऑफिस के राउटर के पास चले जाना है। तो ये होता है हमारा डिफ़ॉल्ट राउट। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।